नमस्कार, मनु दिलसरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनके बारे में, जो मेथड्स हैं अपने इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स, उनमें से हम पढ़ रहे थे। पहला हमने पढ़ लिया था जो ओल्ड मेथड चल रहा था, उसमें जो डायरेक्ट मेथड है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें मैं बताऊंगी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रही हूँ कि अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा ये जो वीडियो है वो स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके डिमांड पे मैंने ये बनाया है, ताकि उनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इंग्लिश का वीडियो सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने कहा है उन्हीं के लिए बताया। तो इसमें आप मेरे जो उच्चारण करने का तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है, उस पर न जाके सिर्फ इसको समझें। सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है रिट वालों के, जो संडे को एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम का, अच्छे तरह से एग्ज़ाम दे अपना उनका। जो जितने जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर जो मेरा जो व्यूवर हैं जो देखते हैं मेरे वीडियो को, उनको बेस्ट ऑफ लक, उनका सिलेक्शन हो, मेरी यही उम्मीदें हैं, यही आशा है। उसके साथ चलो हम शुरू करते हैं ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड। जो सेकंड मेथड है, जो ओल्ड मेथड में सेकंड हम पढ़ेंगे ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड। इसमें देखो, इसके बारे में जो पहले नॉलेज है कि इसके बारे में क्या बताया गया है, दिस मेथड इज़ नोन एज ए क्लासिकल मेथड। यानी कि ये क्या है, क्लासिकल मेथड है एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग। यानी कि दो बातें हैं इसमें ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड में, एक तो ये बताया गया कि ये क्लासिकल मेथड है और ये सबसे क्या है, पुराना मेथड भी यही है। तो ग्रामर क्रम ट्रांसलेशन मेथड सबसे पुराना है, सबसे क्लासिकल मेथड यही है, और इस पद्धति के दो दार्शनिक आधार है, टू साइकम फिलोसॉफिकल बेसिस हैं इसके, दो आधारों पे करती है। ए फॉरजिन लैंग्वेज कैन इजिली बी लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। ये क्या बताता है कि कोई भी विदेशी भाषा अनुवाद द्वारा सरलता से सीखी जा सकती है। यानी कि जब हम ट्रांसलेट करेंगे किसी भी चीज़ को तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं। तो क्या होगा इसमें, इस पद्धति में हम क्या करेंगे, विदेशी भाषा अनुवाद के द्वारा सरलता से सीखा जा सकता है, ये इस वर्ड में बात है। ग्रामर इज द सोयल ऑफ द लैंग्वेज। यानी कि जो व्याकरण होती है वो भाषा की क्या होती है, आत्मा होती है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। ए फॉरजिन लैंग्वेज कैन ईजिली बी लर्न थ्रू द ट्रांसलेशन, यानी थ्रू द ट्रांसलेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ग्रामर इज द सोयल ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर क्या होती है, भाषा की आत्मा होती है। इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी आगे, इसके जो जो किन गुण आधारों पर यह आधारित है ये पढ़ेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। इट इज़ द कन्वीनियंट टू टीच ए फॉरेन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ द पीपल्स मदर टंग। ये क्या करता है, मातृभाषा की सहायता से विदेशी भाषा शिक्षण क्या करता है, सरल बन पड़ता है। यानी कि पहले हमें क्या बतानी पड़ेगी, मदर भाषा, उसके बाद में जो हम विदेशी भाषा को इससे जोड़ के हम इसको क्या बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, मदर भाषा का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में इसका प्रयोग होता है। और सबसे मेन बात, जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है इसमें ना रिटन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमने इसी में ओल्ड मेथड में पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, उसमें क्या था, ज़्यादा ओरल पर जोर था। तो रिटन का कोई भी नाम आ जाए तो वो किस में अंतर्गत आएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंतर्गत। इट लेज इम्फाइसिस एंड ग्रामर देयर फॉर इट इज द इम्पार्ट्स करेक्ट नॉलेज ऑफ द इंग्लिश। इसमें क्या है, यह व्याकरण पर अधिक जोर देता है। इम्फाइसिस क्या होगा, जोर देना, ग्रामर यानी जो व्याकरण पर, यानी कि यह क्या करता है, यह ग्रामर पर अधिक जोर देती है। अतः अंग्रेजी भाषा का क्या होगा, सही ज्ञान देती है। ये क्या, सही ज्ञान देगी, क्यों, क्या क्योंकि ये क्या करती है, सबसे ज्यादा ग्रामर पर ध्यान देती है। इट हेल्प्स द पीपल्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड इन रिटन इंग्लिश। यानी कि ये क्या करेगी, भाषा के लिखित स्वरूप में बच्चे अपनी क्या कर सकेंगे, व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो रिटन पे क्या है, ज़्यादा जोर दे रहा है, ये जो पैटर्न है, जो ये मेथड है वो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, रिटन पे ज़्यादा जोर दे रहा है। भाषा के लिखित स्वरूप में बच्चे क्या करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति कर लेते हैं। इसमें रिटन एक्सप्रेस मेक लर्निंग स्टेबल इन दियर माइंड्स। यानी ये क्या करेगा, लिखित कार्य से अधिगम क्या होता है, स्थायी हो जाता है। यानी कि क्या करेगा, स्टेबल करेगा। इसमें से क्वेश्चन बनता है, ये क्या करता है, ये जो मेथड है वो क्या करेगा, लर्निंग यानी अधिगम को स्टेबल बनाता है। रिटन इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देता है, रिटन पे क्या करेगा, अभिव्यक्ति करेगा। ये चार है। पांचवा अपना है, एज पीपल गेट्स द रियल मीनिंग्स ऑफ ए वर्ड एज ए फ्रेज और एडियम टू इंटरेस्ट देयर वोकेबलरी। यानी छात्र को शब्द या मुहावरे का अर्थ उसी की भाषा में बताया जाता है, इससे उसके शब्द को उसकी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। पीपल्स एक्यूर द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी छात्र अनुवाद की कला में क्या हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं, इस जो मेथड का यूज करेंगे, ट्रांसलेशन मेथड। एज ग्रामर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, इट इज़ द डिसिप्लिन द माइंड। व्याकरण की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है
वह विद्यार्थी को क्या करेगी, मस्तिष्क को अनुशासित कर सकती है। एज ग्रामर प्लेज एज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसिप्लिन इन दिस माइंड, यानी माइंड का क्या करती है, ये संतुलन करती है, यानी अनुशासन करेगी माइंड का। ग्रामर, ग्रामर क्या, इसमें जो ग्रामर का यूज होता है वो क्या करती है, बच्चे में उसका माइंड है उसको स्टेबल करने के काम आती है। उसमें जो हम भी जो भी मुहावरे और जिनका उपयोग करते हैं उसमें जो जो भी बताया जाता है उसमें क्या होगी, शब्दकोश की बढ़ोतरी के लिए भी ये मेथड यूज में लिया जाता है। और ये क्या करेगी, अधिगम को क्या करती है, स्थायी करती है, बच्चे में अपनी जो लिखित स्वरूप में अभिव्यक्ति करने का काम प्रदान करती है। ये अंग्रेजी भाषा का सही ज्ञान देती है। और ये क्या करती है, मदर भाषा की सहायता से विदेशी भाषा को क्या करती है, शिक्षण बनाती है। ये इसके गुण हैं जिनका प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज लेते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये ओल्ड मेथड है, ओल्ड मेथड मेथड के अंतर्गत हैं दो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और सबसे जो सिंपल मेथड भी यही है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये क्या है, रिटर्न पे ज़्यादा जोर देता है, ट्रांसलेशन पे अधिक जोर देता है। और बच्चों की जो इसमें इससे लाभ होगा कि बच्चों की माइंड का क्या होगा, डिसिप्लिन होगा। अब इसके गुण अवगुण भी हैं, तो अवगुण देखो, अदर स्किल ऑफ इंग्लिश सच एज रीडिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग आर इग्नोर्ड, इसमें इग्नोर की जाएंगी, बोलना सुनना जो भाषा के जो अन्य कौशल होते हैं जैसे कि बोलना सुनना पढ़ना क्या होते हैं, इसमें इग्नोर इग्नोर हो जाते हैं। इस वजह से क्या है, ये इसका अवगुण भी है। पीपल्स बिकम हैबिचुअल ऑफ थिंकिंग फर्स्ट इन देयर मदर टंग, यानी कि वो क्या हो जाएंगे, मदर टंग का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो मदर टंग का क्या हो जाएगा, इसमें इसी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, यानी छात्र पहले अपनी मातृभाषा के सोचने के क्या होंगे, आदि बन जाएंगे, दूसरी भाषा को बाद में प्रयोग में लेंगे। इट गिव्स ओनली, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, रिटन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, इस वजह से इट गिव्स ओनली वन साइडेड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, ये क्या करती है, इसमें कि सिर्फ क्या बताया गया, ग्रामर के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है, इनको ग्रामर में ट्रांसलेट करके बच्चों को ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, जिस वजह से क्या होगा, अनुवाद का, जैसे जो अनुवाद का नियम है, द रोल ऑफ ट्रांसलेशन, इसका क्या है, उचित उदाहरण है। इसमें क्या होगा, बच्चे इसको पढ़ेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और इसको क्या होगा, अनुवाद करेंगे, इसमें उन्होंने कुछ सीखा नहीं। इट गिव्स ओनली वन साइडेड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, समझ गए आप, देयर इज नो एक्सकेट एक्ट वर्ड फॉर वर्ड, ये है कोरिस्पॉन्स है, कोरिस्पोंडेंस है, इज एनी टू लैंग्वेज सो समटाइम्स इट्स लुक्स फॉर्स, इसका ये होगा कि नहीं भी दो भाषाओं के सभी शब्दों का अनुवाद नहीं हो सकता, अतः कभी कभी स्थिति बड़ी हास्यास्पद बन जाती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, वर्ड टू वर्ड है, वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि क्या होगा, दो शब्दों का, दो भाषाओं में सभी शब्दों का अनुवाद नहीं हो सकता, इसलिए क्या होगा, दो भाषाओं में, दो भाषाएं हैं, दो भाषाओं में मदर टंग का प्रयोग हो रहा है, फिर इसका इंग्लिश का प्रयोग लिया जा रहा है, तो इसमें ये कभी कभी क्या हो जाती है, हास्यास्पद भी हो जाती है, क्योंकि दोनों भाषाओं में क्या होती है, उस भाषा में उसका अलग अर्थ निकलता है, उस भाषा में उसका अलग अर्थ निकलता है, यानी कि दोनों क्या होंगे, साथ साथ भाषाओं का कभी कभी क्या होता है, मिलान नहीं होता, ये इसी का यही आंसर है। कोरिस्पोंडेंस होता है वो क्या होगा, समटाइम्स इट्स लुक ए फ्रेज, यानी कि क्या होगा, हास्यास्पद हो जाएगा। द यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस आर नॉट वर्ड, यानी कि इसका जो यूनिट होती है, इस विधि की जो शिक्षण इकाई होती है वो वाक्य होती है न कि शब्द। यह तथ्य स्पष्ट रूप से जो जेके सी रस्ट रिचर्ड थे उन्होंने अपनी पुस्तक में किया है, ये बोलते हैं कि जेक से रिचर्ड थे उन्होंने क्या कहा है कि ये जो मेथड है, ये जो अपनी तकनीक है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये क्या करती है कि इसमें विधि जो वाक्य होगा वाक्य मैन होगा न कि शब्द, तो इसमें जो पूरा वाक्य होगा वो काम में लिया जाएगा। ये जेक सी रिचर्ड, ये नाम याद रखना, जेक सी रिचर्ड ने ये कहा है। इट्स नेगलेट्स रीडिंग, ये क्या करती है, पढ़ने को क्या करती है, अपेक्षित करती है। यह विधि स्वर जो सहस्वर वाचन की क्या करती है, उपेक्षा करती है, यानी नेगलेट्स रीडिंग को नेगलेट करती है, इंपॉर्टेंट है। द नॉलेज ऑफ ग्रामर डज नॉट इंश्योर कॉम्पिटेंस इन ऑल द फोर लैंग्वेज स्किल, इसमें इट्स बोरिंग, ये क्या है, बोरिंग है। द ग्रामर, अब क्वेश्चन आएंगे इसके ना, क्वेश्चन पढ़ने, आपको क्वेश्चन समझना। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेस्ड ऑफ टू प्रिंसिपल, ये क्या है, ग्रामर जो ट्रांसलेशन मेथड है वो क्या होगी, दो प्रिंसिपल पे, जो दो सिद्धांत पे काम करती है। एक फॉरेन लैंग्वेज कैन इजिली बी लर्न थ्रू ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भाषा को क्या कर सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर क्या है, एक आत्मा है भाषा की। इट इज द कन्वेनिएंट सुविधाजनक टू टीच ए फॉरेन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ द मदर टंग, यानी कि मदर टंग क्या करेगी, हेल्प करेगी दूसरी भाषा को समझने के लिए।
इन वर्ड इसमें यहाँ पे क्या था जो फिलिंग द ब्लैंक्स था इसको हमने भर दिया है मदर टंग के द्वारा। इन द कन्वेनेंट सुविधाजनक बनाती है टू टीच द फॉरेन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ द मदर टंग। मदर टंग सुविधाजनक बनाती है दूसरी भाषा को समझने के लिए। पहले क्या किया जाएगा, जो भी भाषा बोलता है जो बच्चा बोलता है उसको बोलते हैं मदर टंग, यानी कि जो उसको पहले से आ रही है वो है मदर टंग, उसने अपनी माता से सीखी है इसलिए बोलते हैं मदर टंग। तो मदर टंग के लिए सुविधा के लिए दूसरी भाषा को हम सीख सकते हैं आराम से। इन इन वाट फॉर्म डू द पीपल्स फाइंड देम सेल्वेज एक्सप्रेस इन दिस मेथड। ये क्या बोलता है कि इस पद्धति में छात्र अपने आप की अभिव्यक्ति किस रूप में करने में सक्षम होते हैं, तो किस में करेंगे छात्र, इसमें सबसे ज़्यादा किस पे जोर दिया जाता है, तो रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में जोर दिया जाएगा। तो बच्चे क्या कर सकते हैं अपनी अभिव्यक्ति किस रूप में व्यक्त करेंगे, तो रिटर्न फॉर्म में करेंगे। रिटर्न एक्सप्रेस मेक लर्निंग, तो रिटर्न जो एक्सप्रेस होता है वो मेक लर्निंग को क्या करता है, स्टेबल करता है, तो स्टेबल करेगा। इसमें दे रखा था अनसेफ यानी असुरक्षित इजी बनाता है, बोर बनाता है, तो क्या करेगा ये स्थाई कर देता है यानी स्टेबल करता कर देता है। अगर हम रिटर्न में कुछ करेंगे तो वो क्या होता है हमारा स्थाई होता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अनरिच यानी बढ़ाती है या मजबूत करती है पीपुल्स में, क्या बढ़ाती है, प्रोनाउंसिएशन वोकेबली लर्निंग या स्पीकिंग, तो क्या बढ़ाती है वोकेबलरी को बढ़ाती है। दिस मेथड्स मेक पीपल्स हैबिचुअल यानी किसका आदि बनाती है, ऑफ थिंकिंग, किस चीज़ की थिंकिंग के लिए जो हावी बनाती है ये जो ये मेथड है वो, इन इंग्लिश इन देयर मदर टंग इन ग्रामर और इन ट्रांसलेशन। तो हमने क्या पढ़ा था इन देयर मदर टंग के लिए ये क्या बनाती है आदि बना देगी। इन ट्रांसलेशन ए वर्ड फॉर वर्ड इन इक्विवेलेंस इज ऑलवेज एट हैंडेड। इसमें क्या होगा, इसमें ये बता रखा है कि प्राय सभी अनुवाद करते समय इन ट्रांसलेशन ए वर्ड यानी प्राय सभी शब्दों का समानार्थक शब्द मिल जाता है। ये क्या है, सत्य बात है, ठीक है, ये सत्य बात है कि तभी तो क्या होगा हास्यास्पद होगा, वर्ड फॉर वर्ड इक्विवेलेंस इज ऑलवेज एट हैंड, तो क्या होगा ये सत्य है, सत्य नहीं ये सत्य है, ठीक है, सत्य बात है। इन ट्रांसलेशन ए वर्ड फॉर वर्ड इन इक्विवेलेंस इज ऑलवेज एट हैंड, तो ये इसमें दे रखा था ट्रू एंड फॉल्स, तो ये क्या होगा ट्रू है कभी कभी, तभी तो ये क्या होगी हास्यास्पद बनेगी। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए। ये फर्स्ट मेथड है अपना, ओल्ड मेथड हमने कर लिया है, अब हम सेकेंड पढ़ेंगे न्यू मेथड। न्यू मेथड के अंतर्गत अपने हैं डॉक्टर वेस्टेज न्यू मेथड है, द बाइलिंगुअल मेथड है, द सब्स्टिट्यूशनल टेबल मेथड है। तो इन तीनों मेथडों को हम अगले जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी आपको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।